आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो ये मेरा शू रैग है उसको मैं कैसे अरेंज करती हूँ। जो ये मेरा शू रैग है इसको मुझे वैसे भी आज अरेंज करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं ये जो शू रैग है कैसे अरेंज करती हूँ। ये तीन सेल्स हैं इस मेरे शू रैग के अंदर, और तीन सेल्स हैं और सबसे नीचे एक ड्रॉर है छोटा सा, तो ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, कम स्पेशियस है। उसी के अकॉर्डिंग मैं ये शू रैग है जो उसको अरेंज करूँगी। तो चलिए चलते हैं मैं कैसे इसको अरेंज करती हूँ। सबसे पहले ये जो शूज़ रखे हुए हैं तीनों सेल से, मैं इसको सबसे पहले निकालूँगी और थोड़ी बहुत मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी, ज़्यादा गंदा तो नहीं है, मैं इसको करती रहती हूँ। कभी वीकली हो जाता है, कभी वीकली से ऊपर भी हो जाता है, तो मैं इसको डस्टिंग वगैरह हल्की करूँ, क्योंकि इसका कपड़ा मैंने अलग ही रख रखा है, इसका कपड़ा अलग रखना चाहिए, तो मैं उसको डस्टिंग करूँगी अच्छी तरह तीनों सेल्स की, और जो सबसे नीचे ड्रॉर है उसको भी मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। और अंदर से मैं एक वो लेकर आई हूँ, और डिब्बा होता है जिसमें अंदर शूज़ रखे होते हैं, तो मैं वो लेकर आई हूँ और मैंने उस शूज़ को यहाँ पर अरेंज कर दिया है। उसी के मैं ऊपर जो शूज़ वगैरह होते हैं, अपने शूज़ अलग और इनके शूज़ अलग, और जो क्रिशा के शूज़ हैं उसको मैं सबसे नीचे वाले ड्रॉर में रखूँगी। तो मैं उसको स्पेस के अकॉर्डिंग लगाती हूँ शूज़ को। अब मैंने डिब्बा रख दिया, डिब्बे के ऊपर शूज़ रख दिए, और साइड में मैंने एक सीधा रख दिया, एक तिरछा रख दिया, एक थोड़ा आगे टेढ़ा, दोनों टेढ़े रख दिए, मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग मैं शू रैक को अरेंज करती हूँ। तो आप भी देखिए कि मैं शू रैक को कैसे अरेंज करती हूँ। तो ये शू रैग अच्छी तरह अरेंज हो गया है, ये है पूरा फाइनल लुक शू रैग का। और ऊपर डेकोरेशन का कोई ज़्यादा सामान नहीं है, आर्टिफिशियल प्लांट है और कुछ ट्रॉफीज़ हैं, और जो साइड में मैंने रखा है वो सैनिटाइज़र है, अगर कोई नीचे से सामान लेने जाता है तो उसको हाथ को सैनिटाइज़ करके जाए और सैनिटाइज़ करके आए। तो ये है पूरा कम्प्लीट लुक।
अगर आपको ये भी अच्छा लगा मेरा आज का ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको ये शू रैक कैसा लगा और इसकी अरेंजिंग कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।